दोस्तों अगर आप YouTube पर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों आज जो मैं बातें आपको बताने वाला हूं, अगर आप इन पर ध्यान देते हैं तो आप भी बहुत ही जल्दी YouTube पर कामयाब होने लगेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें एंड ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारी वीडियो के अंदर वॉइस क्लियर होना बहुत जरूरी है। सपोज आप कोई वीडियो बनाते हैं, उसकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो या ना हो, लेकिन आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए एंड लाउड होनी चाहिए ताकि जो आपकी वीडियो देख रहा है उसको अच्छी तरह समझ आना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा है टाइम। दोस्तों सपोज आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं, सपोज दिन के 2 बजे आप एक कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपकी जो अगली वीडियो होनी चाहिए वो भी आपकी 2 बजे होनी चाहिए, ताकि इससे क्या होता है जो हमारे सब्सक्राइबर हमारी वीडियो देखते हैं रेगुलर तो उनको पता रहता है हमारी जो वीडियो है वो दिन के 2 बजे आने वाली है। अगले पॉइंट की बात करूं, अगला पॉइंट है यूनिक कंटेंट। दोस्तों आपने देखा होगा कि मोस्टली आपको यूनिक कंटेंट यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, लेकिन आप सच में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ यूनिक करना पड़ेगा, बिल्कुल हटके करना पड़ेगा, जो कि यूट्यूब पर जो वीडियो नहीं है आप कुछ ऐसा कंटेंट ढूंढिए, कोई ऐसा टॉपिक बनाइए जो कि यूट्यूब पर ना मिले, तो आपको कामयाबी बहुत ही जल्दी मिलेगी। अगले पॉइंट की बात करता हूँ, बेटर कम्युनिटी रिलेशन। दोस्तों ये क्या होता है, बेटर कम्युनिटी रिलेशन ये होता है, सपोज आपकी जो वीडियो सब्सक्राइबर आपकी वीडियो देख रहे होते हैं वो कमेंट करते हैं तो दोस्तों आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन कमेंट के उनका आप रिप्लाई ज़रूर करें, ताकि इससे जो कम्युनिटी है वो काफ़ी अच्छी बनती है एक सब्सक्राइबर एक यूट्यूबर के बीच में। तो आप कोशिश करें उनके हर कमेंट का जवाब देने का। अगर आप डेली वीडियो अपलोड करते हैं, डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके चैनल की परफॉर्मेंस और भी अच्छी हो जाती है। अगर आप डेली वीडियो अपलोड करते हैं तो YouTube भी आपको सपोर्ट करता है, जल्दी से जल्दी आपकी वीडियो को वायरल कराता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें YouTube पर क्या नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट है सब फॉर सब। दोस्तों बहुत से सब्सक्राइबर होते हैं, जो नए यूट्यूबर्स होते हैं वो सब फॉर सब करने लगते हैं। सब फॉर सब का मतलब होता है आप मुझे सब्सक्राइब करिए मैं आपको सब्सक्राइब करता हूँ। दोस्तों अगर आप ऐसे करके इस सब्सक्राइबर गेन कर लेते हैं तो यूट्यूब को तुरंत पता चल जाता है और वो आपको आपके चैनल को आगे बढ़ने नहीं देता। अगला पॉइंट है बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं उनके कमेंट बॉक्स में अपने चैनल का लिंक दे देते हैं, तो दोस्तों ऐसा करने से हमारे चैनल की परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन हो जाती है और यूट्यूब के एक एल्गोरिथम होता है, उनका मशीन लर्निंग सिस्टम होता है, वो तुरंत पता लगा लेता है कि आपने अपने चैनल का लिंक कहाँ पर दिया है। दोस्तों अगला पॉइंट है कॉपी कंटेंट। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आप एक कॉपी कंटेंट अपने चैनल पर डालते हैं तो यूट्यूब तुरंत पता लगा लेगा आपने किसी की वीडियो कॉपी करके एडिट करके अपने चैनल पर डाली है, तुरंत ही आपको कॉपीराइट दे देगा। जितनी भी आपने मेहनत करी है, जितनी भी आपने पहले वीडियो बना रखी है, वो सब आपकी पानी में बह जाएंगी। तो दोस्तों कोशिश करें कि आप अपना ही कंटेंट बनाएं, कुछ यूनिक बनाएं, ताकि यूट्यूब भी आपको सपोर्ट करे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, मिक्स कंटेंट। दोस्तों मिक्स कंटेंट क्या होता है, सपोज आप एक यूट्यूबर हैं, आपको एक यूट्यूब चैनल बनाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस कैटेगरी पर काम करना चाहते हैं, हमारा निच क्या है। ठीक है दोस्तों, एक कैटेगरी हमें चूज करनी पड़ती है। सपोज आपका एंटरटेनमेंट का चैनल है या कुकिंग का चैनल है या टेक्नोलॉजी से कुछ रिलेटेड चैनल है, तो दोस्तों आपका किसी भी कैटेगरी का चैनल हो आपको एक ही कैटेगरी पर काम करना पड़ेगा। ऐसा ना करें कि आपने आज कुकिंग का वीडियो बना दिया, अगले दिन टेक्नोलॉजी का बना दिया, तीसरे दिन आपने एंटरटेन का बना दिया, चौथे दिन आपने व्लॉग का बना दिया। तो दोस्तों ऐसा करने से वैसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके सब्सक्राइबर बढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन आप एक कैटेगरी पर काम करते हैं तो यूट्यूब को पता रहता है कि सपोज आपका कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैनल है तो वो जो आपके इंप्रेशन है वो उन्हीं कैटेगरी वाले लोगों को सेंड करेगा जो आपकी वीडियो देखना चाहते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है, वीडियो को डायरेक्ट अपलोड ना करें। दोस्तों जब भी कोई वीडियो आप अपलोड करते हैं तो उसको एक बार रीचेक जरूर करें, कहीं आपने गलती तो नहीं की, कहीं मिस्टेक तो नहीं की। तो अगर आपने मिस्टेक करी है आपको वापस उसको एडिट करिए और फिर से उसको अपलोड करिए। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर कामयाब होना चाहते हैं तो आप इन 10 टिप का पालन करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी ग्रो करने लगेंगे, आपका चैनल भी ग्रो होने लगेगा। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।